द प्रेशर एग्जर्टेड ऑन द ग्राउंड बाय मैन इज ग्रेटेस्ट व्हेन ही लाइज डाउन ऑन द ग्राउंड, बी व्हेन ही स्टैंड ऑन द टॉयज ऑफ वन फुट, सी व्हेन ही स्टैंड विथ बोथ फीट फ्लैट ऑन द ग्राउंड, एंड डी ऑल ऑफ द अबव यील्ड द सेम प्रेशर। हेलो डियर्स, टॉपिक है जीएस और ये प्रश्न फिजिक्स से है, सीडीएस 2011 का, सीडीएस 2011 का प्रश्न है। क्या इसमें पूछा है कि प्रेशर एग्जर्टेड ऑन द ग्राउंड बाय ए मैन इज ग्रेटेस्ट। ठीक है, कोई मैन है, ठीक है, कोई मैन है वो ग्राउंड यानी कि सरफेस पे खड़ा है, ठीक है, कोई मैन है खड़ा है या लेटा है ये नहीं पता है, ठीक है, उसी पे निकालना है कि ये मान लो कि ये ग्राउंड है तो इस पे एक मैन है तो ये मैन किस स्थिति में रहेगा कि ग्राउंड पे प्रेशर जो है वो ज्यादा रहेगा। ठीक है, मैन का स्थिति क्या होगा, इस आदमी का स्थिति क्या होगा कि ग्राउंड पे जो प्रेशर है मैन के द्वारा वो लगाया जाएगा, प्रेशर जो जनरेट होगा एग्जर्ट होगा वो ग्राउंड पे ज्यादा होगा, मैक्सिमम होगा किस स्थिति में। ठीक है, यही हमें बताना है। प्रेशर क्या होता है, प्रेशर इक्वल्स टू होता है फोर्स, प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स, परपेंडिकुलर फोर्स। ठीक है, परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया है ना, एफ है फोर्स जो परपेंडिकुलर है और ए है एरिया, इट इज कॉल्ड प्रेशर। तो इस फॉर्मूले से देख रहे हैं कि अगर फोर्स बढ़ा रहे हैं तो प्रेशर बढ़ रहा है। ठीक है, फोर्स को बढ़ा रहे हैं तो प्रेशर बढ़ रहा है, फोर्स बढ़ा रहे हैं तो प्रेशर क्या है, बढ़ रहा है। और यहां पे जो एरिया है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर का। ठीक है, यानी कि अगर हम एरिया को बढ़ाएंगे तो प्रेशर क्या है, घटेगा, अगर एरिया को हम घटाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा, है ना। टोटल जो डिस्कशन है इसी पे है कि एरिया को बढ़ाएंगे तो प्रेशर घटेगा और एरिया को घटाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा। अगर इस प्रेशर का एग्जांपल देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हो कि अगर सुई, ठीक है, सुई जब स्किन पे दिया जाता है तो ये जो सुई है, ठीक है, ये सुई हो गया, सो इसका जो एरिया है जो स्किन पे इंटर करता है वो क्या है, बहुत ही मिनिमम होता है और इस वजह से ये प्रेशर को ज्यादा एग्जर्ट करता है। ठीक है, फर्स्ट वन। अगर दूसरा देखना चाहो तो दूसरा देखो किल, है ना, किल काटी, जो दीवार पे जो हम ठोकते हैं, है ना, दीवार पे जो ठोकते हैं वो किल जो उसका अगला भाग क्या है, नुकीला होता है, यानी कि नुकीला होता है, इस वजह से ये प्रेशर जो है वाल पे ज्यादा एग्जर्ट करता है। ठीक है, कील को हम ऐसे फ्लैट करके नहीं ठोक सकते हैं, है ना, दिक्कत होगा काफी, इसके अलावा इसकी अपेक्षा, ठीक है, इसकी तुलना में जो हम वर्टिकली दीवार पे लगाते हैं तो ये अगर फ्लैट करेंगे तो ये ज्यादा दिक्कत होगा कील में, है ना। दूसरा अगर देखना चाहो कि एक ईंटा ले लो, ठीक है, एक ईंटा ले लो, तो ईंटा को अगर हम इसको ग्राउंड पे रखेंगे, ठीक है, इसको हम फ्लैट ग्राउंड पे रखेंगे एक्स एक्सिस के अलावा, इसको एक्स एक्सिस मान लेते हैं, तो इस ईंटा का देखो, अब यहां पे ईंटा का एरिया ए है, ठीक है, इस ईंटा का एरिया, ईटा का एरिया ए है और फोर्स एफ लगा रहा है, ठीक है, यही ईटा है, फोर्स एफ लगा रहा है, तो अगर इसको हम एक्स एक्सिस के अलोंग रखते हैं तो एरिया ज्यादा यहां पे कवर कर रहा है, यानी कि एरिया ज्यादा कवर कर रहा है, इसका मतलब एरिया यहां पे ज्यादा है तो क्या है, प्रेशर कम लग रहा है, फोर्स वही है, वही ईटा को हम दूसरा को, जैसे यही ईटा को, यही ईटा को क्या कर रहे हैं, हम वर्टिकली अलोंग वाई एक्सिस पे रख रहे हैं, ठीक है, ये ईटा, इस ईटा को वाई एक्सिस के अलोंग रख रहे हैं, ठीक है, तो वही ईटा है यानी कि फोर्स वही है, ठीक है, लेकिन एरिया जो है इसका ए डैश मान लो, यहां पे एरिया ए, यहां पे ए एरिया क्या आ गया, ये घट गया, इसको ए डैश मान ली, तो एरिया क्या है इसका, घट गया है, ठीक है, एरिया घट गया यानी कि इसके कंपेयर में, इसके कंपेयर में जो प्रेशर होगा, ठीक है, इसका प्रेशर लेस होगा और इसका प्रेशर हाई होगा, ठीक है, यानी कि इसके कंपेयर में जो इसका प्रेशर जो ग्राउंड पे होगा वो ज्यादा होगा, क्योंकि देखो फोर्स, प्रेशर का फॉर्मूला क्या है, परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया, है ना, यानी कि एरिया बढ़ता है तो प्रेशर घटता है और एरिया घटता है तो
प्रेशर बढ़ता है, ठीक है, फोर्स आपका वही रहेगा, फोर्स वही हो, ठीक है, फोर्स पे चेंजिंग नहीं कर रहे अगर तो अब देखो कि ये मेन है, ठीक है, ये मेन है, वो ग्राउंड में किस स्थिति में ज्यादा फोर्स एग्जर्ट करेगा, ठीक है। फर्स्ट वन क्या है, व्हेन ही लाइज डाउन ऑन द ग्राउंड, यानी कि जब उस मैन को ग्राउंड पे लेटा दिया जाए, ठीक है, मान लो ये ग्राउंड है, तो इस मैन को क्या किए हैं हम, लेटा दिए, ये मैन है, इस मैन को हम क्या है ग्राउंड पे लेटा दिए, ग्राउंड पे जब लेटा दिए तो लेटा दिए तो देखो इसका एरिया कितना कवर हो रहा है, जितना बड़ा है पूरा कवर कर ले रहा है, यानी कि एरिया इसका ज्यादा है, एरिया ज्यादा है इसका, इसका मतलब प्रेशर कम होगा, ये तो होगा नहीं, है ना। दूसरा इसी मैन को, हाँ फोर्स वही लग रहा है, फोर्स वही लग रहा है, वही मैन लगा रहा है ना फोर्स, सो फोर्स में चेंजिंग नहीं हो रहा, तो यानी कि एरिया यहाँ पे ज्यादा लग रहा है, ग्राउंड पे जितना टच कर रहा है वही ना हुआ एरिया, क्या ग्राउंड के सरफेस को जितना टच करेगा वही एरिया, तो यानी कि एरिया यहाँ पे ज्यादा है इसलिए प्रेशर इस पे कम होगा, यानी कि ऑप्शन ए होगा नहीं, ठीक है। बी, व्हेन ही स्टैंड ऑन द टॉयज ऑफ वन फीट, ये बी है। सी देखो, व्हेन ही स्टैंड विथ बोथ द फीट फ्लैट ऑन द ग्राउंड, यानी कि ये स्थिति हो गया जब मैन खड़ा है, ठीक है, जब मैन अपने बलबूते पे दोनों पांव पे खड़ा है, ऑप्शन सी वाला ध्यान दो, दोनों पांव पे खड़ा है, यानी कि दोनों पांव का एरिया जब कवर होगा, एक पांव बनानी दूसरा पांव बनानी और ये खड़ा है जब, तो दोनों पांव का तो एरिया लग रहा है, यानी कि प्रेशर तो बढ़ेगा लेकिन इसके अपेक्षा में बढ़ेगा बस। ये जो सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है जब क्या बोल रहा है कि ये स्टैंड विथ बोथ फीट फ्लैट ऑन द ग्राउंड, यानी कि जब ये ग्राउंड पे खड़ा है, ठीक है, जब ये ग्राउंड पे खड़ा है, हम इसको टेढ़ा कर दिए सीधा कर देते, देखो जब ये खड़ा रहेगा तो क्या होगा, इसका दोनों फीट ग्राउंड पे है, एक गो फीट हो गया, दो गो फीट है, और ये मैन है ना, तो इसके अपेक्षा प्रेशर ज्यादा होगा, ठीक है, ये पी वन प्रेशर मान लो, पी वन प्रेशर है ना, पी वन प्रेशर मान लो, तो यहां पे जो प्रेशर पी वन ग्रेटर देन पी टू होगा, पी वन ग्रेटर देन पी टू होगा, क्योंकि इससे तो कम एरिया ले रहा है, ठीक है। अब थर्ड वन क्या है, बी वन, बी वन, व्हेन ही स्टैंड ऑन द टॉयज ऑफ वन फीट, अब देखो नेक्स्ट जो कंडीशन इसमें दिया है, बी में कंडीशन जो दिया है वो क्या है कि मेन जो है एक पैर के बलबूते पर खड़ा है, वो भी एक अंगूठे पे, है ना, एक पैर के बलबूते पे खड़ा है, वो भी एक अंगूठे पे, मेन वही है लेकिन एक पैर के, एक पैर ऊपर उठा लिया है, देखो एक पैर ऊपर उठा लिया मान के चलो, ठीक है, तो यानी कि इसका एक अंगूठा ये जमीन पे टच कर रहा है, यानी कि एरिया बहुत ही कम है, एरिया क्या है बहुत ही कम है, इन दोनों के कंपेयर में एरिया बहुत ही कम है, यानी कि प्रेशर इसका जो होगा पी थ्री मान लेते, इस कंडीशन का प्रेशर पी थ्री, तो इस स्थिति में एरिया देखो इसका बहुत ही कम है, सिर्फ एक अंगूठा, सिर्फ एक अंगूठा ऐसे टच है, पैर का अंगूठा, हम यहाँ हाथ का अंगूठा दिखा रहे हैं, सो एक अंगूठा जमीन पे ऐसे टच है ऐसे, ठीक है, उसके बलबूते पर खड़ा है, यानी कि ये क्या करेगा प्रेशर बहुत ही ज्यादा लगाएगा इन दोनों के कंपेयर में, है ना, यानी कि जमीन पे जो प्रेशर, सरफेस पे जो प्रेशर है वो ज्यादा एग्जर्ट होगा, सो इसका कंडीशन क्या होगा, मान लो कि ये हम पी थ्री मान लिए, तो यहाँ पे जो होगा पी थ्री ग्रेटर देन पी टू ग्रेटर देन पी वन, है ना, सो यहाँ पे पी थ्री, जैसे पी वन कौन है, पी वन ये हो गया जब ये ग्राउंड पे लेटा है, पी टू ये हो गया जब दोनों पैर से खड़ा है, और पी थ्री ये हो गया, ठीक है, यानी कि जब मैन जो है एक अंगूठे के बल पे खड़ा रहेगा तब उस स्थिति में ये ग्राउंड पे जो है ज्यादा प्रेशर को एग्जर्ट करेगा, ठीक है, यानी कि इसका आंसर जो होगा वो बी होगा, व्हेन ही स्टैंड ऑन द टॉयज ऑफ वन फुट, ठीक है, एक अंगूठे के बल पर जब ये खड़ा रहेगा तो ये ग्राउंड पे ज्यादा प्रेशर एग्जर्ट करेगा, ठीक है, क्यों करेगा, क्योंकि जो प्रेशर है वो एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो जब अंगूठे के बल पे खड़ा रहेगा तो यहां पे देखो कि एरिया बहुत ही कम ले रहा है, बहुत ही कम एरिया ग्राउंड को जो है टच कर रहा है, यानी कि ये प्रेशर ज्यादा एग्जर्ट करेगा, ठीक है, सबसे ज्यादा प्रेशर किसमें होगा, सबसे ज्यादा प्रेशर होगा पी थ्री में, ठीक है, उसके बाद ये पी थ्री में, उसके बाद उससे कम होगा पी टू में और उससे कम होगा पी वन में, है ना, सो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तो ये था टॉपिक, जय हिंद।